नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। खबर है जालौन से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आए। बता दें कि पिकेट पर तैनात एक पुलिस कर्मी भी जिस सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं चौकी पर तैनात सिपाही ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जहां मौके पर एसपी समेत आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और एसपी जालौन इरज राजा ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन कर इलाके में तलाश के लिए नाकाबंदी कराई। ये पूरा मामला और एक कोतवाली क्षेत्र की झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोविंदा होटल की घटना बताई जा रही है। आज रात को लगभग 2 बजे एक घटना हुई है थाना उरई क्षेत्र में, जो हाईवे चौकी है वहाँ पर। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें हमारे पुलिस विभाग के कांस्टेबल श्री भेदजीत सिंह को गोली लगी है और गोली लगने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि कुछ लड़कों का उन्होंने पीछा करने का प्रयास किया और उसी दौरान उन लड़कों को उन्होंने रोका और वहाँ से उन्होंने उसमें उसी दौरान गोली चली और गोली इनके सिर में लगी है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें भेदजीत सिंह इस घटना में शहीद हुए हैं और हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और हम बहुत ही जल्दी इस घटना का सफल अनावरण करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, तैनाती कहाँ पर थी, भेजी थी और कहाँ की? ये मथुरा के रहने वाले हैं और इनकी तैनाती यहीं हाईवे चौकी पर थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत थी। जिन लड़कों का पीछा किया जा रहा था, क्या उनसे कोई विवाद हुआ था या किसी चीज़ को लेकर शरारती या कुछ? अभी हम सब जानकारी कर रहे हैं, अभी बस इतना पता चला है कि 2 लड़के निकले थे, उनके पीछे ये गए थे। तो अभी सही एग्जैक्ट स्थिति अभी पता चलेगी जब हम सभी, अभी जांच हमारी जारी है और कुछ हमें जानकारी भी अहम मिली है तो उनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और बहुत ही ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।